हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल। बच्चों, स्टडी अच्छी चल रही है आप लोगों की? आई होप आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं, सारा वर्क साथ के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। एक्टिविटीज़ नहीं आई हैं किसी की भी। जो एक्टिविटी मैंने करवाई थी संवाद लेखन की, मैंने बोला था वीडियो में कि आपने ये वीडियो बनाते हुए संवाद पूरा करना है और एक्टिविटी भेजनी है, लेकिन अभी तक किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आई होप मेरी ये बात सुन के आप अपनी एक्टिविटी सेंड करेंगे अपने क्लास इंचार्जेस के नंबर पे या स्कूल वाले नंबर पे। ठीक है बच्चों, करोगे ना, भेजोगे ना अपनी एक्टिविटी? कंप्लीट करके भेजनी है, उसके ब्याह पे मार्क्स लगते हैं। चलिए आज हम करते हैं रिवीजन पत्र, जो कि फीस माफी और अपने मित्र या सहेली को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए इनका टेस्ट है। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे फीस माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे? सेवा में, अगली लाइन में प्रधानाचार्य जी, उससे अगली लाइन में द विजडम स्कूल, फिर उससे अगली लाइन में सिरसा। विषय, विषय क्या है हमारा? फीस माफ कराने के लिए पत्र। उससे अगली लाइन में महोदय। देखिए, यहां तक तो आपने ऐसे बहुत से पत्र किए होंगे अब तक कि जो प्रधानाचार्य जी को लिखने हैं वो यहां तक तो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है, विषय चेंज हो जाता है ना। जो विषय हमने, जिस विषय पे हमने लिखना है पत्र, वो विषय बन जाता है। उसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं A का छात्र हूं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं A का छात्र हूं। और लड़कियां लिखेंगी कि 5वीं A की छात्रा हूं। घर की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होती है? फाइनेंशियल कंडीशन जिसको आप बोलते हो, पैसे के मामले में जो स्थिति होती है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हूं। विद्यालय, स्कूल, फीस देने में असमर्थ, अयोग्य हूं, मतलब नहीं दे सकता मैं फीस। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हूं। मैं हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। लड़कियां लिखेंगी करती हूं। मैं हर कक्षा में, मतलब शुरू से हर कक्षा में, जैसे अब आप फिफ्थ में हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, हर कक्षा में मैं प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। लड़कियां लिखेंगी करती हूँ। उसके बाद मैंने कई प्रतियोगिताओं में, प्रतियोगिताएं जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, कॉम्पिटिशंस होते हैं ना, कॉम्पिटिशंस, तरह तरह के कॉम्पिटिशंस होते हैं स्कूलों में, तो मैंने कई प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं स्कूल में। जैसे अब तो चलो इस बार तो आपका स्कूल प्रॉपर नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पता है ना, स्कूल में अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, राइटिंग, रीडिंग, तो कई कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं, जैसे कहानी लेखन, ठीक है, खेल प्रतियोगिता होती है जैसे। तो मैंने कई प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आशा है कि आप मेरी इस वर्ष की फीस माफ कर मेरी मदद करेंगे। मैंने कई प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आशा है कि आप मेरी इस वर्ष की फीस माफ कर मेरी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य।
लड़के क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। शुरू यहां से करना है। लड़कों की नोटबुक में, कॉपी में और टेस्ट में सिर्फ यही लिखा होना चाहिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियों की कॉपी में और टेस्ट में सिर्फ यही लिखा होना चाहिए, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और लड़कियों ने भी यहां से लिखना शुरू करना है। नीचे अपना नाम लिखिएगा, हर लड़का और हर लड़की अपना अपना नाम लिखेगा, नाम जो भी है आपका, कक्षा 5वीं ए, तिथि 10 दिसंबर 2020। आप जिस तिथि को लिख रहे हो वो तिथि लिखनी है आपने। और दूसरा पत्र क्या है? अपने मित्र, लड़कों के लिए क्या है? अपने मित्र, और लड़कियां अपनी सहेली को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। लड़कों की कॉपी में होना चाहिए, अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए, और लड़कियों की कॉपी में होना चाहिए, अपनी सहेली को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो आनंद विहार, जहां आपका मित्र या सहेली रहती है, आनंद विहार, एड्रेस लिखना होता है ना, पता लिखना होता है, जब हम अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं तो पहले, सबसे पहले वहां का पता निशान, एड्रेस जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप, आनंद विहार, नई दिल्ली, तिथि जिस तिथि को हम लिख रहे हैं 10 दिसंबर 2020, आप जिस तिथि को लिख रहे हो वो वाली तिथि लिखनी है आपने। प्रिय नमन, लड़के क्या लिखेंगे? प्रिय नमन, या लड़कों वाला कोई और नाम भी लिख सकते हैं वो, और लड़कियां क्या लिखेंगी? प्रिय गीतू। सिर्फ इन दोनों में से आपकी नोटबुक में एक ही नाम होना चाहिए, लड़कों की नोटबुक में लड़कों वाला एक नाम और लड़कियों की नोटबुक में लड़कियों वाला एक नाम, ये ना हो लड़कियां भी ऐसे लिख दें और लड़के भी ऐसे लिख दें, नहीं, लड़कियों वाला जो नाम है कोई भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है गीतू लिखना है, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए, प्रिय नमन या प्रिय गीतू। सप्रेम नमस्ते, मतलब प्रेम सहित, स का मतलब सहित, साथ, सहित, प्रेम सहित नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, आप अपनी मित्र या सहेली को पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो? तुम्हारा पत्र मिला, उसने आपको पत्र भेज के बताया कि वह कक्षा में प्रथम आया है, फिर उसके बाद आप पत्र लिख रहे हो उसको, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि हर साल की तरह इस साल भी तुमने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि हर साल की तरह इस साल भी तुमने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। अंग्रेजी और गणित में तो तुमने 100% अंक प्राप्त किए हैं, 100% मतलब पूरे पूरे, जितने 100 मार्क्स का होता है ना आपका पेपर, तो मतलब 100 ही मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं पूरे। अंग्रेजी, इंग्लिश जिसको बोलते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट होता ना आपका, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। और मैथ्स को क्या बोलते हैं? गणित। अंग्रेजी और गणित में तो तुमने 100% अंक प्राप्त किए हैं। किसी के टेस्ट में ये नहीं लिखा होना चाहिए इंग्लिश, इंग्लिश नहीं लिखोगे आप, अंग्रेजी ही लिखोगे। हिंदी में अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश इंग्लिश का ही शब्द है, मैथ्स इंग्लिश का शब्द है, आपने गणित लिखना है। अंग्रेजी और गणित में तो तुमने 100% अंक प्राप्त किए हैं, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारे परिश्रम का नतीजा है, या फल का अर्थ क्या है? नतीजा, परिणाम, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, बस इसी तरह मेहनत करते रहो। लड़कियां क्या लिखेंगी? करती रहो। इसी तरह मेहनत करते रहो, लड़कियां लिखेंगी करती रहो। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली कक्षाओं में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे। लड़कियां क्या लिखेंगी? मुझे पूरा भरोसा है कि अगली कक्षाओं में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करती रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से, मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अंकल व आंटी को मेरा
प्रणाम कहना, अंकल व आंटी को मेरा प्रणाम कहना और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र, लड़के क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र और नीचे खुद का नाम लिखना है। लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी, यहां से शुरू करेंगी, तुम्हारी सहेली, फिर नीचे अपना नाम लिखेंगी। तो आपने लर्न तो पहले किया ही होगा, तो ये अब आपकी रिवीजन हो गई है। साथ ही साथ ये देखिए, मैंने आपको 15 दिसंबर को ये होमवर्क दिया था, ये मैंने खुद आपको करवाया था वीडियो में, मतलब पीडीएफ भेजा था, सॉरी, हाँ वीडियो में भी करवाया भी था और पीडीएफ भी भेजा था। और ये जो है मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था। प्रश्न 6 का उदाहरण दे दिया था मैंने, प्रश्न 6 से लेके प्रश्न 10 तक मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था। अब मैं आज इसका सोल्यूशन पीडीएफ भेज रही हूँ। ये आपने मैचिंग करनी है, अगर आपका सही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सही है तो आपने सही कर लेना है, पर कंप्लीट जरूर होना चाहिए ये कार्यपत्र 1 पूरा। ओके, टेक केयर बच्चों।